जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान पर गुरुवार दोपहर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया और विधायक रफीक खान अपने घर से निकलकर विधानसभा जा रहे थे। गाड़ी में बैठते समय भागते हुए आए एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट कर दी। सदर थाना पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है और DCP वेस्ट अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर की पहचान विकास जाखड़ के रूप में हुई है और बनी पार्क में जयसिंह हाईवे स्थित विधायक के घर पर वह भागते हुए आया और रफीक खान को पकड़ कर मारपीट करने पर उतारू हो गया। एक आदमी सुबह मेरे घर आया, जब मैं असेंबली जाने के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकला तो काफ़ी सारे लोग बाग काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता नॉर्मली जन सुनवाई के लिए आते हैं उनसे मैं मिलके और गाड़ी में बैठ के जाने लगा तो कुछ कार्यकर्ता और आ गए, कुछ एक दो फ़ोन करने की बात कर रहे थे तो मैंने वो कागज़ लेके गाड़ी में रखे। इसी दरमियान एक आदमी आया और आते ही उसने मेरा गले में हाथ डाला और गला दबाने की कोशिश करी और इससे पहले कि मैं उसका उससे कुछ समझता उसने जब मैंने पीछे गला कर लिया तो उसका ये मेरे यहाँ एक इसने हाथ से उसको दबाया, मैंने पीछे होकर के बचाव किया तो उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, गुद्दी पकड़ ली यहाँ पर, एक थोड़ा फोर्सफुली उसने ऐसे मारने की स्टाइल से करके और मेरी गर्दन को पकड़ लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया। मीनवाइल उसी वक्त जब वो गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा था और मेरे मारने की कोशिश कर रहा था उस वक्त कार्यकर्ता साथी काफ़ी मौजूद थे, उन्होंने सब ने उसको पकड़ लिया और मैंने उसके दोनों हाथ ऐसे पकड़ के अपने आप को गर्दन से अलग किए तो उसने मेरे यहाँ ये शर्ट उसके हाथ में आ गई, ऐसे इस तरह से शर्ट उन्होंने पकड़ ली और फिर कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया, छुड़वाया और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद उससे छुड़वा पाए। फिर भी उसने मेरी गिरबान को छोड़ा नहीं और वो लास्ट तक भी कोशिश करता रहा। बाद में मैंने पुलिस कमिश्नर को बुला करके पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करके इत्तला दी कि भी ऐसी इस तरह की घटना हुई है और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जब वो उसको छुड़ाने की कोशिश की तो काफ़ी सारे लोग बाग घर पे मौजूद थे, सब ने मिल करके उसको खींचा तो भी उसने आसानी से छोड़ा नहीं और उसका क्या इरादा था, किस साजिश के तहत वो आया, क्या षड्यंत्र था, ये तो पुलिस की जाँच के बाद ही पता लगेगा। कौन था ये, तो किस सिलसिले में आपके वहाँ आया था? कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन था और विकास जाखड़ अभी तक नाम जो पुलिस बता रही है विकास जाखड़ नाम सामने आया है और किस वजह से मुझ पे हमला किया ये भी अभी क्लियर नहीं है। फिर अभी जिस तरह से वीडियो फ्लोट किए गए हैं तो ऐसा लगता है कि वो कोई वीडियो बनाने वालों को भी साथ लाया जिन्होंने अलग अलग एंगल से वीडियो बनाए और क्या उसके मन में थी, किस तरह का वो आदमी है, झुंझुनू से आदमी बताते हैं वो, झुंझुनू का आदमी जयपुर में आके मेरे पे हमला करता है ये बात समझ से परे है। किस लिए आता है और क्यों हमला करता है ये विचार का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। मैंने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है, रिपोर्ट अभी मैं दूंगा, मेरे परिवार से ही कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में है तो मैं हॉस्पिटल जा रहा था, अभी हॉस्पिटल से आने के बाद मैं रिपोर्ट दूंगा। ऐसा लगता है कि किसी साजिश और षड्यंत्र के तहत उसने किया है। जिस एंगल से मोबाइल बनाए भाई, मैं तो पहले 10-15 मिनट पहले से मैं सुनवाई कर रहा हूं और मैं घर के बाहर जब गेट के बाहर गाड़ी में बैठने लगता हूं तब भी मैं लोगों से बात कर रहा हूं और जब वो आता है मेरे पे हमला करने के लिए उसी वक्त उसका वीडियो एक्टिव होता है और 2-3 एंगल से एक्टिव होता है और फिर जब पब्लिक छुड़वाती है उसको मेरे से तब वो वीडियो एक्टिव रहता है और इस दरमियान उसकी मारपीट झगड़ा पब्लिक के साथ भी होता है तो वो ऐसा लगता है कि कोई साजिश पूर्ण रवैये से यहाँ आया और पहले से वेट कर रहा था। मेरे एक नेबर बता रहे हैं कि आपके आने से पहले वो घर से बाहर एक गाड़ी लगाई तो मैंने उनको कहा कि मैं साफ सफाई करवा रहा हूँ तो गाड़ी आगे पीछे लगाओ तो काफ़ी देर पहले से वो कोशिश कर रहा था। जब थाने में इंचार्ज साहब ने उससे बात करी तो इंचार्ज साहब को वो बोला कि मेरे को ऐसे ही गुस्सा आ गया, तो ऐसे गुस्सा आने का मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से उसने किया।